अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि कुछ दिनों से मैं आपके सामने कस्टम मेड राइफल्स के बारे में कुछ मालूम शेयर कर रहा था, तो आज एक और मेरे पास राइफल है जो कि कस्टम मेड है, मगर ये हंटिंग राइफल के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है, और ये भी कस्टम मेड राइफल है और 2-3 बोर से ताल्लुक है इसका। तो मैंने कहा कि इसके बारे में भी आपको मालूम दे दूं, ये भी कस्टम मेड बनाई गई है, जिसमें ये बैरल, ये नेटो M249 जो मशीन गन्स हैं उनके बैरल होते हैं, तो ये पैक बैरल वहाँ से लेके फिर ये बॉडी अलहदा से लेके इसको बनाया गया है, और 18 इंच का बैरल है इसको, जिसको थ्रेड्स वगैरह इसके अंदर वो कंपनी के मौजूद हैं और क्राउनिंग वगैरह, तो इसका बहुत प्यारा रिजल्ट है। और ये बोल्ट एक्शन राइफल है, और इस पर ये एटलस का बाइपॉड लगाया हुआ है हमने, और ये ट्रोबोन का चेक पीस लगाए हुए हैं, और ये 2-3 बुलेट है इसकी, और हमने इसको 300 से 400 यार्ड्स तक भी चेक किया है इस स्कोप के साथ, जो कि डिस्कवरी के HS 6-24-50 FFP स्कोप है, तो बहुत प्यारा रिजल्ट इसमें दिया है इसने। तो 100 यार्ड पे तो 1 इंच से भी कम ग्रुप था इसका, और 200 यार्ड पे भी तकरीबन 1 इंच से कुछ ज़्यादा ग्रुप इसका हुआ है, और आज तो हमने स्टेरलॉक प्रो के सॉफ्टवेयर पे इसको जब इसको यूज़ किया तो बहुत ज़बरदस्त इसने रिजल्ट दिया, और इसका ट्रिगर भी हमने टिमनी टाइप ट्रिगर इसका बनाया है, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट था, और ख़ास तौर पर इस स्कोप पे हमें इसका अंदाज़ा नहीं था इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा इसका, मगर बहुत प्यारा रिज़ल्ट था, तो मैंने सोचा कि इसको आपके साथ भी शेयर किया जाए, तमाम दोस्तों को जो टूटी फूटी मालूम मेरे पास हैं थोड़ी बहुत, तो आपके साथ शेयर करके आपको भी इंफॉर्मेशन दी जाए। और इसके शूटिंग रिजल्ट वगैरह पहले भी मैं शेयर करता रहा हूँ आप दोस्तों के साथ, तो मैंने कहा कि ये मैंने हंटिंग के लिए, और ये लाइसेंस भी आराम से हो जाती है आजकल, तो फोर पे दुमी फोर पे आला आराम से हो जाती है आजकल, तो ये राइफल थी आज तक कई उतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ किसी और टॉपिक के साथ, अपना
करीबी अजीज़ इरशाद का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।